दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि अपने एंड्रॉयड टीवी का सेटअप कैसे करते हैं। जब कभी भी हम लोग एंड्रॉयड टीवी परचेस करते हैं या किसी कंडीशन में उस टीवी को हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में टीवी का सेटअप कैसे किया जाए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ ही साथ पूरे डिटेल में जानेंगे सारे प्रोसेस को कि कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरह का इसका सारा सेटअप का प्रोसेस है। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से अपने ओल्ड वर्जन का जो यूआई है, कुछ इस तरीके का जो आपका एंड्रॉयड वर्जन जो यूआई था वो ओल्ड वर्जन में चलता आ रहा है, अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं न्यू वर्जन में जो इस तरीके का है, आप बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ मैं डिटेल में आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ स्क्रीन मिररिंग कैसे करते हैं एंड्रॉयड टीवी में अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, और अपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ अपने एंड्रॉयड टीवी को कैसे अपडेट किया जाता है, सब कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दिया है। आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे उस टॉपिक को डायरेक्टली जाके जंप करके टाइम स्टैम्प पे जंप करके देख सकते हैं, या अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देखें, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अपने एंड्रॉयड टीवी को सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप न्यू एंड्रॉयड टीवी परचेस किए हैं तो उसे जैसे ही ऑन करते हैं तो उसका सारा सेटअप मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप केयरफुली देखते रहिए। दोस्तों, जैसे ही आप टीवी को प्लग इन करते हैं और पावर देते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड टीवी, जिस भी कंपनी का होगा उसका ब्रांड शो करेगा, देन उसके बाद आपको दिखेगा एंड्रॉयड टीवी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप अपने रिमोट को पेयर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंबल दिया हुआ है, इस तरह से पेयर कर सकते हैं, या विदाउट पेयर किए हुए आप इस टीवी को सेटअप भी कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए सिंपली इसे स्किप वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है किस लैंग्वेज में इस टीवी को सेटअप करना चाहते हैं, तो सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्विकली सेटअप योर टीवी विथ एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आप चाहते हैं कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट करके पूरा सेटअप डायरेक्टली फ़ोन से ही कनेक्ट करके कर ले तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या इसे मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं, इस टीवी को डायरेक्टली अपने हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं तो स्किप वाले पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप वाईफाई का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस, अपने वाईफाई को सेलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्किप वाले बटन पे भी जाके इसे स्किप करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप वाईफाई कनेक्ट कर ले, मेरा सजेशन कि आप डायरेक्टली वाईफाई से जो है अपने फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपने मेल आईडी गूगल के प्ले स्टोर पे कैसे डाला जाता है, वो सारा कुछ यहाँ पे डायरेक्टली सेटअप होते हुए चला जाएगा। तो मैं सिंपली इसके वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ पासवर्ड वगैरह डाल के। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, प्लीज़ वेट। वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने मेल आईडी को इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, वो बाद में भी आप इसके मेल आईडी को डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे साइन इन कर लेता हूँ अपने मेल आईडी को डाल के। दोस्तों, जैसे ही मेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, टर्म्स और सर्विस। आप इसे स्क्रॉल करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसे एक्सेप्ट वाले बटन पर जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे आप एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ योर स्मार्ट टीवी इज पावर्ड बाय एंड्रॉयड टीवी, तो सिंपली तीन बार ओके प्रेस कर देते हैं। दोस्तों, हर एक ब्रांड में ये जो टर्म्स है, लाइसेंस जो आपको दिया हुआ है, ये चीज़ खुल के नहीं आता है, बट आपको ये पैनासोनिक का टीवी है तो इसमें खुलकर आ रहा है। आप इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ अगर आप दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंपली मैं इसे एग्री करके नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे शॉप मोड में रखना चाहते हैं या होम मोड में। तो आप टीवी को घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे होम मोड में ही सिलेक्ट कर ले।
उसके बाद आपको ये सब सेटिंग देखने को मिलेगी। चैनल स्कैन, अगर आप वो एंटीना वगैरह जो पहले ज़माने का होता था उस तरह का एंटीना तो अब लोग यूज़ करता नहीं है, जनरली सेटअप बॉक्स से यूज़ करता है, तो आप फिलहाल इसको स्किप कर दें क्योंकि स्कैन मुझे करना नहीं है, तो इसे सिंपली स्किप कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही स्किप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, जो इसका यूआई है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फटाफट से इसके यूआई को अपडेट कर लेते हैं। ये जो आप इसका यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं वो पुराने वाला यूज़र इंटरफेस है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा टीवी में, सिस्टम अपडेट अवेलेबल यहाँ पर शो भी कर रहा है, तो आप इसमें डायरेक्टली डिटेल वाले ऑप्शन पर जाके अपडेट कर सकते हैं या फिर आप सेटिंग वाले ऑप्शन से भी जाके अपडेट कर सकते हैं टीवी को। तो मैं फटाफट से यहाँ जो डायरेक्टली शो कर रहा है डिटेल, उसी पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कैन लेने लगता है कि आपका सिस्टम अपडेट आया है या नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपडेट अवेलेबल लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है 1.08 GB का अपडेट आया हुआ है, तो फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो को कट कर देता हूँ बीच से क्योंकि थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है रीस्टार्ट नाउ, तो मैं सिंपली रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही ये 100% होगा टीवी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो टीवी को रीस्टार्ट होने देते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि इस कंडीशन में अपने पावर को ऑफ ना करें क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, टीवी को जब भी रीस्टार्ट करें उस कंडीशन में पावर को ऑफ ना करें। दोस्तों कुछ इस तरह का इंस्टॉलेशन सिस्टम अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसे अपडेट होने देते हैं। दोस्तों जैसे ही वो कंप्लीट होगा प्रोसेस तो टीवी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि टीवी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टीवी रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको जो इसका यूआई है वो लेटेस्ट वाला यूआई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपडेट करना पड़ता है, तो फटाफट से जान लेते हैं कि इसके यूआई को अपडेट कैसे करते हैं। उसके लिए सिंपली आप इसके गूगल के प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। मेक श्योर कर लें कि गूगल के प्ले स्टोर पर आपका जो जीमेल आईडी है वो डाला हो। जैसे ही गूगल के प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे साइड में यूज़र वाले सेक्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपडेट जो है 17 पेंडिंग अपडेट दिखा रहा है, तो आप अपने टीवी में चेक कर लें कि आपका कितना अपडेट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारे एप्लीकेशन को एक साथ अपडेट कर लीजिए, उसमें आपका यूआई जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप यूआई को अपडेट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है एंड्रॉयड टीवी होम, अगर ये चीज़ आपको अपडेट मांग रहा है तो इस चीज़ को आप अपडेट कर दें, तब आपका जाके टीवी जो है नए वाले यूआई में अपडेट हो जाएगा। तो मैं सिंपली सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेता हूं क्योंकि ये टीवी अभी जो है रीस्टार्ट हुआ है। दोस्तों जैसे ही अपडेट करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही वापस बाहर आते हैं तो आपको देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो यूआई है बिल्कुल गूगल टीवी जो अभी सोनी का गूगल टीवी है उसके तरह आपका इसका यूआई देखने को मिलेगा। ऊपर में देखा जाए तो सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, होम, डिस्कवरी, ऐप, यहाँ पे सेक्शन वाइज बना दिया गया है कि आप जो भी सेक्शन यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसका जो यूआई है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें आप जो भी लेटेस्ट वीडियो है, सपोज़ अभी मैक्स प्लेयर पे ये हेलो मिनी जो है ट्रेंडिंग चल रहा होगा तो वो चीज़ यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। इसी तरह का जो भी है प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जो भी एप्लीकेशन है उसका सारा ट्रेंडिंग वीडियो यहाँ पे दिखता रहेगा। ये काफ़ी अच्छा यूआई देखने को लग रहा है। दोस्तों अगर आपका जो प्ले स्टोर से वापस आते ही अगर इस तरह का यूआई अपडेट ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने टीवी को एक बार रीस्टार्ट कर लें, देन उसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद जो है इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फटाफट से आप जान लेते हैं कि आप एंड्रॉयड टीवी में अपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप ऊपर में साइड में कॉर्नर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, सोर्स, वाईफाई और सेटिंग। तो यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आपको बना हुआ है, आप डायरेक्टली तो यहाँ से भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप सेटिंग्स के थ्रू कनेक्ट करना तो आप सेटिंग में भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली पहले दोनों स्टेप आपको दिखा देता हूँ, दोनों स्टेप में मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही वाईफाई वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी वाईफाई नाम है, वाईफाई का जो नाम है यहाँ पे शो होना लगेगा।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विजन 5G जो है मेरा कनेक्टेड है ऑलरेडी, या फिर आप कोई और कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद उसमें पासवर्ड वगैरह डाल के ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेटिंग में जाके वाईफाई कनेक्ट करें तो वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा, वाईफाई एंड इंटरनेट। सिंपली उस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो सेम ऑप्शन जो आप डायरेक्टली बाहर से जो वाईफाई लोगों पे क्लिक करके किया था वही सेम ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है कि वहाँ पे शॉर्टकट लोगों दे दिया गया है, शॉर्टकट जो है वाईफाई का ऑप्शन दे दिया गया है कि डायरेक्टली आप वहीं से वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप सेम प्रोसेस कीजिएगा, जैसे आप पासवर्ड वगैरह डाल के कनेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि अपने एंड्रॉयड टीवी में अपने एंड्रॉयड फ़ोन है उसका स्क्रीन मिररिंग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको एंड्रॉयड टीवी में डायरेक्टली इसका स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन नहीं दिया जाता है, किसी किसी टीवी में आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है उस तरह का तो मैं आपको इसमें एक कॉमन एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैं करके दिखा देता हूँ, जिसका नाम है गूगल होम। इसके थ्रू आप इसमें डायरेक्टली जो है स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड टीवी में। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, अपने फ़ोन में गूगल होम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो भी उसका सेटअप है वो कंप्लीट कर लें। सेटअप को कैसे किया जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो भी बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो गूगल होम एप्लीकेश्शन को डाउनलोड करने के बाद आप मेक श्योर कर लें कि जो आपका टीवी है वो सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड होना चाहिए, या अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है, थर्ड पार्टी आपका राउटर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो अपना मोबाइल है उसका हॉटस्पॉट ऑन करके अपने टीवी को कनेक्ट कर लीजिए। ये सिंपल ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपने टीवी को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अपने गूगल होम एप्लीकेशन को ओपन करना है। पे मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट किया है, आप अगर हॉटस्पॉट के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं तो आपको सेम ही प्रोसेस होगा। गूगल होम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है तो बहुत सारे टीवी यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा मॉडल शो हो रहा है। मैं सिंपली इस टीवी का जो मॉडल है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कास्ट माई स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पे कास्ट माई स्क्रीन पे क्लिक करना है और स्टार्ट नाउ कर देना है। आप जो भी यहाँ पे अपने फ़ोन में काम करेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे वो डायरेक्टली आपके टीवी में दिखने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से अपने एंड्रॉयड टीवी में स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से। तो काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है, बिल्कुल आसानी से अपने एंड्रॉयड टीवी में स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर स्क्रीन मिररिंग करते हैं उसके थ्रू अगर आप कुछ भी यूट्यूब वगैरह से आप प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, पिक्चर क्वालिटी जो है एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलती है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, इसमें आप इसके क्रोमकास्ट के फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो वाईफाई है सेम नेटवर्क पे कनेक्ट है, या फिर अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट से अगर आपका टीवी कनेक्ट है तो क्रोमकास्ट का जो फीचर है वो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे YouTube पे क्रोमकास्ट का फीचर देखने को मिल रहा है, तो आप सिंपली इस वाले क्रोमकास्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मॉडल दिख जाएगा टीवी का, उससे आप क्लिक करके डायरेक्टली जो भी वीडियो कास्ट करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको Amazon Prime पे, Netflix पे, बहुत सारे एप्लीकेशन पे, हॉटस्टार वगैरह पे भी आपको क्रोमकास्ट का फीचर दिया गया है, जिसके मदद से आप एक्चुअल क्वालिटी में वीडियो को कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने एंड्रॉयड टीवी को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे अपने मोबाइल को उस टीवी से कनेक्ट करते हैं, स्क्रीन मिररिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।